गरीबों का नाम, ये स्थिति अच्छी नहीं है। आवाज तमाम लोग सस्पेंड हो गए, फिर हमारे गोंडा को बदनाम कर दिया, फिर हमारे गोंडा को बदनाम कर दिया कि खाद्यान्न में गड़बड़ी है। खाद्यान्न में गड़बड़ी किसी कोटेदार की तरफ से नहीं हुई है, मैं दावा करके कहता हूं ये किसी कोटेदार का डल्ला नहीं है, ये सीधे गोदाम से निकलता था और आपके गोदाम पर नहीं पहुंचता था, सीधे बीच से ट्रक चला जाता था। ये 11,000 क्विंटल गन्ना हुआ है, आप मजबूर करते हैं, आप मजबूर करते हैं, आज सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं आया। मैं चाहता हूं संजीव सिंह आज सस्पेंड होना चाहिए। 70 रुपए क्विंटल, 70 रुपए क्विंटल में कोई कोटेदार देगा, कहां से लाएगा? क्यों नहीं आए भाई? 70 रुपए मजबूर करते हैं ये लोग। भाइयों, मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप मीटिंग में आए। विश्वास करिए, हम लोग हर विषय को समझे हैं। अब इसके बाद हम सब लोग, हम विधायक जी सब लोग एक मीटिंग करेंगे जिले पर अधिकारियों के सामने। सब सस्पेंड है, अभी देखिए कौन कौन बचता है। लेकिन कार्ड एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हमें ब्लॉकवार अभियान चलाना पड़ेगा। एक महीने नाम रहता है, दूसरे महीने कट जाता है। एक महीने नाम ये प्रधानमंत्री जी के सामने समस्या जाएगी। और आपने देखा होगा कि जनहित के कुछ मुद्दे मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं, वो सब मेरी सूचना पर उठाए हैं। ये जनहित के जितने मुद्दे उठाए हैं, इस मिट्टी पर, एक काली मिट्टी पर पुलिस पकड़ लेती थी, 30,000-40,000 जुर्माना लग जाता था। ये विषय मैंने रखा और तमाम विषय मैंने रखा। और इस समय बड़ा शीशा लेकर चल रहा है, तमाम लोगों का काम लगा हुआ है, क्योंकि हम इतना जानते हैं न हमारे प्रधानमंत्री खाते हैं और न हमारे मुख्यमंत्री खाते हैं। हमको अपने मुख्यमंत्री के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व है। मैंने मंत्री नहीं कहा है, मंत्री छोड़ दिया है, केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहा है। हाँ भाई, झूठ ना बोल भाई, नियो संधि कार्ड चुने भाई। बोलो भारत माता की।